नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और इस वक्त हम बिहार के मलहिड़ा गांव में हैं और यहां पे हमें दिखा कि रात का समय हो रहा है, 7 बजने को है और यहां पे बच्चे पढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से छोटे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, इनको शिक्षित करने की कोशिश की जा रही है। तो ये यहाँ पे जो इनके टीचर हैं उनसे बात करते हैं। तो आपका नाम क्या है? जी, मिथुन कुमार। अच्छा मिथुन जी, आप कब से इनको पढ़ा रहे हो और इस तरीके से कैसे आप इनको सपोर्ट करते हैं? पिछले हम यहाँ 3 सालों से पढ़ा रहे हैं जी। और सब बच्चे को हम मंथली कम से कम जो बनता है, जिस घर से बिलोंग करता है उसी टाइप का बच्चे से इनकम लिया जाता है, पैसा लिया जाता है। अच्छा, और समझ गया, अगर मध्यम क्वालिटी का बच्चा है तो उसे उसी तरह का रुपया लिया जाता है, ज्यादा दबाव डाल के नहीं लिया जाता। अच्छा, इस तरह से सपोर्ट करते हैं बच्चा सबका। और मतलब टोटल आस पड़ोस का ही बच्चा है और जो अच्छा से क्या होता है कि जो खराब बच्चे हैं गाँव देहात का, तो संगति अच्छा नहीं मिल पाता है तो उससे बच्चा क्या होता है, बिगड़ जाता है। तो शिक्षित करने के लिए हम सोचे कि यहाँ पर शाम में हम क्यों करते हैं, ऐसे कोचिंग भी चलाते हैं हम, लाइव कोचिंग सेंटर सौरा नियर बाई के पास है पड़ता है। और सोचे कि शाम में यहाँ भी चलाएंगे तो बच्चा सब सुधर जाएंगे। तो आप क्या इसको किसी एनजीओ की तरफ से चलाते हो या खुद ही आप इसको गांव से? आप भी इसी गांव के हो? जी, हम भी इसी गांव के हैं। हाँ। एनजीओ से भी चलाते हैं अपने आप। तो बच्चे कितने पढ़ने आते हैं और क्या शाम के टाइम क्यों चलाते हैं? क्योंकि मेरे पास समय नहीं बच पाता है। हाँ। सुबह से लेके हम 10th क्लास 1 से लेके और 10th क्लास तक लाइव कोचिंग सेंटर अपना कोचिंग में पढ़ाते थे और इसी समय मेरा समय बचता है, उसी समय अपना देते हैं छोटा सा बच्चा। तो लाइट की सुविधा आपने अपने आप से कर रखी है या जब लाइट भाग जाती है तो क्या करते हो? लाइट की सुविधा अपने आप से कर रखी है। लाइट भाग जाते हैं तो अपने घर पर घर का जो लाइट है उसे कम चलाते हैं। अच्छा, लेकिन आप इनको कंटिन्यू पढ़ाते हो? जी, कंटिन्यू। तो अभी जिस तरीके से बाढ़ आई थी, कुछ समय बीता है जो बाढ़ आई थी, तो उस दौरान और फिर उसके बाद कोरोना चल गया, लॉकडाउन चल गया, तो बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल पीछे हट गई, बिल्कुल एक तरीके से खराब ही मानो कि खराब हो गई। तो अब इन बच्चों में क्या सुधार है और बच्चे किस तरीके से पढ़ रहे हैं और कौन सी क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं? यहाँ से 1 से लेके 2 तक या 3 क्लास तक ऐसे तो क्लास में स्कूल में जितना अंदर रहता है तो बच्चे उस तरह से प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं जितना। तो यहाँ हम सिंपल तरीके से लेके 5-4 तक पढ़ाते हैं और जिस तरह का बच्चा प्रोग्रेस करते हैं उसी तरह का मन कर सको अच्छे 0 क्लास से। तो ये बच्चे स्कूल में नहीं जाते? स्कूल अभी तो फिलहाल बंद है, स्कूल खोलेंगे तो स्कूल जाते हैं। अच्छा, तो स्कूल टाइम में स्कूल से आगे फिर आपके पास आते हैं शाम को, इस तरीके से ट्यूशन क्लास आप इनको पढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो जो इनके माँ बाप हैं तो वो इस चीज को वो भी सपोर्ट करते हैं, इनको यहाँ भेजते हैं या उन बच्चे खुद जबरदस्ती आते हैं? नहीं, बच्चे जबरदस्ती नहीं आते हैं, इन सबका गार्जियन है व्यवस्था पढ़ने के लिए। हाँ। मतलब कि जो दिन में स्कूल में पढ़ाई करता है तो ताकि रिवाइज करने के रिवाइज हो जाए, इसलिए शाम में भेजता है। तो ये देखा आपने, इनके अध्यापक ने कहना है कि बच्चे अपनी मर्जी से आते हैं और बच्चे पढ़ते भी हैं, बच्चों से पूछते हैं कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? जोर से बोलो, कितना क्लास में पढ़ती? कितना क्लास में? 3 क्लास में। क्या नाम है तुम्हारा? सर अच्छा पढ़ाते हैं? क्या पढ़ाते हैं? अभी क्या पढ़े हो आप? जोड़। आगे क्या, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? कौन से स्कूल पढ़ते? स्कूल का नाम क्या है? आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो बेटा? 2 क्लास में। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सर अच्छा पढ़ाते हैं? हैं? पीटते भी हैं? हैं? खाने को भी देते हैं? चलिए, तो बच्चे भी पढ़ने आते हैं, तख्ती लेके आते हैं, काफी लेके आते हैं, पेन, छोटे छोटे बच्चे हैं, 1 से 2 में नर्सरी में बच्चे पढ़ते भी हैं और इंजॉय भी करते हैं, वर्णमाला भी पढ़ते हैं। तो ये इनके परिवार वाले हैं, ये सब इस चीज को सपोर्ट भी करते हैं कि हाँ हमारे बच्चे आए पढ़े
स्कूल में, स्कूल जिस तरीके से बंद है फिलहाल के टाइम में क्योंकि कोरोना की वजह से स्कूल को बंद कर रखा है, तो उसमें बच्चे स्कूल में नहीं जा पाते, तो हो सकता है कि उनको ट्यूशन क्लास के जरिए, एक तरीके से ट्यूशन क्लास दे रखी है, इससे ही वो अपना रिवाइज करते रहे ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। इनके लोगों से, इनके गार्जियन से ही बात करते हैं। आपके आपके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, यहीं पे आते हैं? क्यों यहाँ पे क्यों भेजते हो, यहाँ पे मना तो नहीं करते? मना भी होता है तो चुरा करके पढ़ाते हैं क्या, डायरेक्ट पढ़ाते हैं। अच्छा, वही बड़का लड़का है, इसी का लड़का है। अच्छा, आप ही के लड़के पढ़ाते हैं, तो आप मना क्यों करते हो? मना कुछ डर भी लगता है ना सर, क्या करें? किस चीज का डर लगता है? कोरोना का। नहीं कोरोना ये तो दूर दूर बिठा रखे है, वो इसलिए तो दूर में बैठाते हैं। अच्छा, तो आपके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे आके? मेरा बच्चा पढ़ता है। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? एकम में। तो स्कूल में उनको स्कूल में पढ़ाते हो ले जाके वहाँ पे आगे? नहीं सर, स्कूल में अभी बंद है। नहीं नहीं अभी बंद है नहीं, उससे पहले की बात कर रहा हूँ। पहले जाता है। स्कूल कैसा है? स्कूल तो ठीक है। अध्यापक किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से आते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, सफाई करता है। अभी चुनाव का समय चल रहा है, लोग प्रचार में लगे हुए हैं, नेताजी घर घर घूम रहे हैं, तो अब उनसे मानते हैं कि शिक्षा पे कुछ काम करें वो लोग? करेगा वो काम, तो अच्छा होगा। शिक्षा पे आप चाहते हैं कि काम होना चाहिए? काम होना चाहिए। अच्छा, यहाँ से बाढ़ में सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है ये बाढ़ का, तो उस दौरान बच्चों के साथ बच्चों की पढ़ाई का क्या कैसे करते हो फिर बाढ़ के टाइम पे? बांध में जब खूब बांध रहता है, हाँ, तो बच्चा को बंद रखता है, पानी हट जाता है तो बच्चा से पढ़ता है। अच्छा, तो देखा आपने, परिवार में भी लगन है और पढ़ाने वालों में भी लगन है, पढ़ने वालों में भी लगन है, बस थोड़ी सी लगन अगर सरकार के कुछ अधिकारियों में, सरकार के कुछ नुमाइंदों में, सरकार के कुछ प्रतिनिधियों में भी हो जाए, तो गांव में एक अच्छा स्कूल जो अभी 5 तक है वो आगे भी बन सकता है। यहाँ के लोगों की मांग भी यही है कि स्कूल जो अभी छोटा है उसको और बड़ा बना के उसको हाई स्कूल तक किया जाए ताकि ये बच्चे आगे बढ़ सके। कैमरामैन राजेश के साथ प्रदीप कुमार, बिहार।